कुख्यात रंजीत सफेलकर के गुर्गे कन्हान के बार संचालक चर्ची श्रीनिवास उर्फ सीनू अन्ना को क्राइम ब्रांच ने मकोका में गिरफ्तार किया है। सीनू से सफेलकर टोली की कई जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है। क्राइम ब्रांच ने मनीष श्रीवास हत्याकांड में सफेलकर टोली पर मकोका की कार्रवाई की है। इस प्रकरण में रंजीत सफेलकर कालूहाटे, उसके भाई भरत हाटे, हेमलाल उर्फ हेमंत नेपाली, विशाल उर्फ इसाक मस्ते और विनय कुमार उर्फ गोलू बाथव को गिरफ्तार किया गया है। मकोका में सफेलकर न्यायिक हिरासत में चला गया है, जबकि अन्य 4 मई तक पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को जांच के दौरान श्रीनिवास उर्फ सीनू अन्ना विनयवार के लिप्त होने का पता चला। इसके आधार पर आज सीनू को गिरफ्तार किया गया, उसे कोर्ट में पेश कर 6 मई तक हिरासत में लिया गया है। सीनू का परिवार मूलतः हैदराबाद का बताया जाता है। यह काफी समय से कन्हान में रहता है। उसके कांदरी में बार और होटल है। बार के ऊपरी हिस्से कमरे बनाए गए, वहां अवांछित गतिविधियां चलाई जाती है। वह लंबे वक्त से सफेलकर से जुड़ा हुआ है। सफेलकर के अधिकांश कृत्य में वो शामिल भी रहता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज नागपुर।